What's good, you guys? Welcome everybody to One Life. And yes, paragliding. Yes, अगर अब paragliding नहीं करी तो कब करोगे, है ना? Right? इसलिए जा रहे हो ना? I know that. Yes, let's get started. ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें I'll go to the detail of every bit. आपको वो हर एक चीज बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए. And last में मैंने आपको पूरे ट्रिप में लगभग कितना पैसा लग जाएगा, कितना अमाउंट आपको लेके चलना चाहिए, उसके बारे में बात करी है. तो प्लीज वो वाला पार्ट तो आप मत छोड़ना बिल्कुल भी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे पहुंचना है, आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ पे खा सकते हो, क्या क्या वहाँ पे करना है, लिटरली ईच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए हो सकती है. एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पहले देखना चाहते हो तो देयर आर टाइम स्टैम्प्स बिलो, आप उस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करके वो देख सकते हो. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम बोलते हैं बीर बिलिंग, बट ये समझ जाओ कि बीर एक अलग जगह है, बिलिंग एक अलग जगह है. बीर है वो मेन जगह जहाँ पे आप रुकोगे, जहाँ पे आपका बेस होगा, जहाँ पे शॉप्स हैं, जहाँ पे कैफेज हैं. एंड बिलिंग बीर से एक ऊपर की जगह है जहां गाड़ी से लगभग एक घंटा जाने में लगता है. तो पहले बीर आता है, फिर बिलिंग आता है. बीर बिलिंग ठीक है, आपको ऐसे याद रहेगा. ठीक है, पहले बीर फिर बिलिंग. बिलिंग्स क्यों फेमस है? बिकॉज वहां से आपका पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ होता है. ये पहले आप समझ लो, बिकॉज ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. तो सबसे पहली चीज, वेरी फर्स्ट थिंग, कि बीर कैसे पहुंचा जाए. ओके, तो खैर बहुत सारे तरीके हैं बीर पहुंचने के. जैसे आप बाय रोड जा सकते हो, बाय एयर जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो. ठीक है, बट इन सब में से जो सबसे एफिशिएंट, सबसे इकोनॉमिकल जो तरीका पड़ता है वो है बाय बस. दिल्ली से, चंडीगढ़ से, हर जगह से बसेस जाती हैं बीर के लिए. एंड ओवरनाइट जर्नीज होती हैं, दे टेक अराउंड 11 आवर्स टू रीच. अगर आप एक वॉल्वो बुक करते हो तो वो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहता है एंड आपको कोई ऐसे हासिल नहीं होता. बट यहीं अगर आप बाय एयर जाते हो, बाय प्लेन जाते हो, या फिर अगर आप ट्रेन से जाते हो, तो बिल्कुल बीर में कोई भी ना तो एयरपोर्ट है ना कोई रेलवे स्टेशन है, तो आपको कहीं दूर उतरना पड़ेगा और वहाँ से फिर आपको कुछ और टैक्सी या कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके बीर पहुंचना पड़ेगा. तो वो थोड़ा सा ना कंबर्सम और थोड़ा सा टायरिंग ज़्यादा हो जाता है मेरे ख्याल से. ठीक है, तो खैर बीर अब आप पहुंच गए. अब नेक्स्ट बात आते हैं कि आप रुकोगे कहाँ पे स्टे करोगे. राइट, तो बिकॉज बीर एक ऐसी जगह है जहाँ का टूरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आजकल एयरबीएनबीज लिस्ट करते हैं. बहुत सारे एयरबीएनबीज हैं, बहुत सारे होम स्टेज हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं. सो बेसिस आप किस टाइप के अकोमोडेशन में रुकना चाहोगे, अगर आप कपल हो, इफ यू आर सोलो, इफ यू आर विद योर फ्रेंड्स, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा. बिकॉज आप आराम से एक डिसेंट सर्च करके अपने हिसाब से अकोमोडेशन देख सकते हो. साथ साथ मैं आपको प्राइसिंग का भी बताता रहता हूँ. तो बस जो वॉल्वो अगर आप करते हैं तो वो लगभग आपको पड़ती है 1000 से 1200 के बीच में. ठीक है, तो 1000 ले लेते हैं अभी के लिए, एक इजी कैलकुलेशन के लिए. एंड यही अगर आप अकोमोडेशन की बात करते हैं, अगर आप हॉस्टल लेते हैं या कोई होटल लेते हैं, एक रफ फिगर ले लेते हैं, अराउंड 1500 पर नाइट पर पर्सन आपको पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. आराम से आप बीर पहुंच गए, बीर में आपने होटल ले लिया, अब आराम से सेटल डाउन हो गए हो. अब बीर पहुंच के आपको करना क्या क्या है, राइट, क्या क्या आप देख सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जिसके लिए बीर बिलिंग फेमस है, आई नो ऑल ऑफ यू नो दिस, आप सबको ये मालूम है, पैराग्लाइडिंग. ये इंडिया की हाइएस्ट पैराग्लाइडिंग है एंड एशिया की सेकेंड हाइएस्ट है. आप जब भी जिससे भी पैराग्लाइडिंग बुक करोगे, पहली बात आपको जाने से पहले बुक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत सारे ऑपरेटर हैं, तो आप वहाँ जाके आराम से बुक कर सकते हो. एक बंदा है जो वहाँ बहुत फेमस है, पता नहीं कैसे फेमस है, उसने क्या कर रखा है, बट हर बंदे को उसी का ही नाम पता है. उसका नाम है ज्योति, मतलब लड़का है, ही रन्स अ कंपनी जो पैराग्लाइडिंग ही कराते हैं, ही इज़ अ गुड गाय, उससे आप कर सकते हो. तो पैराग्लाइडिंग लगभग सुबह के 6 या 7 बजे से लेके शाम में 5-5:30 तक होती है. ठीक है, ये पूरे दिन चलती रहती है, जब सनसेट हो रहा होता है उसके साथ में पैराग्लाइडिंग बंद कर दी जाती है. तो अगर ठंड में आप गए हो तो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यार आप इन्जॉय करने गए हो, राइट, सुबह के 4-5 बजे उठ के आप पैराग्लाइडिंग करने तो जाओगे नहीं, इतनी मेहनत कौन ही करेगा, है ना. तो दैट्स आई थिंक सनसेट का टाइम इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम टू डू द पैराग्लाइडिंग, दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, आप जिस भी पैराग्लाइडिंग वाले को बुक करोगे तो और जिस भी रेट में करोगे, उसमें आपको 3 चीज़ें डेफिनेटली मिलती हैं. एक, ऑब्वियसली जो आप पैराग्लाइडिंग करेंगे वो पूरा एक्सपीरियंस अराउंड 20 से 25 मिनट का रहता है, वो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, जो आप गोप्रो से अपनी वीडियो शूट करते हैं वो कैमरा फुटेज वो सब वो बंदा देता है, वो रेट में इंक्लूडेड होता है. थर्ड थिंग, बीर से जो आप बिलिंग जाएंगे, जो वो एक घंटे का रास्ता है या 45 या 50 मिनट्स का रास्ता है, वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है. अगर बाई एनी चांस कोई आपको कहे कि इसका एक्स्ट्रा लगेगा, डूड
हाथ जोड़ो निकलो, इज नॉट द राइट गाय, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब आप टेक ऑफ कर लेंगे, जब आप मिड एयर होंगे, तो 99% पायलट्स आपको पूछेंगे कि आप एक्रोबैट्स करना चाहते हो कि नहीं। करोगे क्या? करोगे एक्रोबैटिक्स। उसमें क्या होता है? जिगजैग हो गए जैसे, वोमिट तो नहीं आता है। हाँ, मतलब मोशन सिकनेस है। हाँ, अच्छा। कमिंग टू द पॉइंट, एक्रोबैट्स होता क्या है? एक होता है नॉर्मली ग्लाइड कर रहे हो, ठीक है, सीधे सीधे जा रहे हो, सीधे सीधे ना जाने के बजाय वो सबको 360 डिग्री घुमाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे घुमाते हैं बेसिकली वो। तो ये बेसिकली अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बट इसमें जिसको मोशन सिकनेस है वो बंदा मर जाएगा, इसमें उसकी फटके चार हो जाएगी और ही वोंट बी एबल टू डू इट बेसिकली। बहुत ज़्यादा जी फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लगता है। तो इफ़ यू आर समवन जिसको बस में या माउंटेन्स में मोशन सिकनेस रहता है, डू नॉट डू दिस, डू नॉट अग्री टू दैट। ऑल्सो दे चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर दिस एक्रोबैटिक्स, 400, 500, 600 कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सीजन यू गो, ठीक है। अब आते हैं कि रेट कितना लगेगा, पैसे लेंगे कितने वो इस सब चीज़ों के, पैराग्लाइडिंग के, ठीक है। तो देखो, अगर आप एक सोलो हो या 2-3 लोग हो तो कुछ डिस्काउंट आपको मिलना मुश्किल है, एंड आपको जो रेट वहाँ बताया जाएगा वो लगभग कुछ 1900 से 2100 के बीच में आपको बोलेंगे। हाँ, बट अगर आप एक ग्रुप हो, आप 5, 6, 7 लोग हो, देन उस पर डिस्काउंट डेफिनेटली लेना। जब हम मैं गया था, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, वी वर अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, ओके, हम लोग को 1600 पर पर्सन का मिला था, एंड हमने उस रेट में किया था। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे आपका लैंडिंग साइट है ना, वहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग सिखाई जाती है, दैट्स राइट, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के स्कूल्स हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आप जब एक 2-3 दिन के ट्रिप पे गए हो, उसमें तो ऑब्वियसली नहीं करने वाले, राइट। लेकिन कभी फ्यूचर में आपका मन करता है कि डूड, मुझे तो इतना मस्त मजा आया जब मैंने पैराग्लाइडिंग की, मुझे वापस करना है, मुझे और सीखना है, मुझे अकेले उड़ना है, then that's a very good thing for you guys, because अभी जब मैं गया था, that was my first time, मुझे भी ऐसा फील हुआ, यार इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं अकेले कर पाऊँ तो कितना फन होगा, राइट। दिस इज द प्लेस जहाँ पे आप सीख सकते हैं। ऑल्सो पैराग्लाइडिंग के लिए अगर आपको और इन डेप्थ डिटेल्स चाहिए कि कैसा पूरा जर्नी रहेगा, कैसा होगा, तो मैंने अलग से उसके लिए भी एक वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पैराग्लाइडिंग, बिकॉज ऑब्वियसली करेंगे, तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, एंड आपको और ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा कि कैसा पूरा प्रोसेस आपका होगा जिस दिन आप पैराग्लाइडिंग करेंगे। दैट वॉज लिटरली द बजट दैट यू शुड टेक केयर इन माइंड। अब आप इतने हिसाब से देखिए कि आप इसमें से क्या करने वाले हैं, आप कितना बड़ा ग्रुप हैं, आप सोलो हैं, उस हिसाब से आपका यह बजट ऊपर नीचे होने वाला है।